हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन के कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को आसान कर देंगे और आपके पैसे भी बचाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरी पहली टिप कंघी को लेकर है। कंघी हमारी अधिकतर गंदी हो जाती है और हम उसे साफ़ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं आपको बेहद ही आसान टिप बताती हूँ। आप कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिए। मेरे पास टेलकम पाउडर नहीं था, मैंने वाइट टोन ले लिया है। उसे हम कंघी पर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब एक ब्रश लेंगे और ब्रश की मदद से हम इसे साफ करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ब्रश से इसे साफ कर लेना है। इससे कंघी की सारी गंदगी निकल जाती है और कंघी बिना कुछ किए बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये बेहद ही आसान टिप है। आप इसे बच्चों से भी करा सकते हैं। बच्चे खेल खेल में इसे बेहद ही आसान तरीके से साफ कर लेंगे। देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। आपको पाउडर में दिख रहा होगा कि वो कितना काला हो गया है। देखिए कंघी कितनी साफ़ हो गई। बिना किसी मेहनत के कंघी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हम दूसरी कंघी भी इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। अगर गंदगी पूरी तरह से नहीं साफ़ हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा टेलकम पाउडर और लगा दीजिए और कंघी को साफ़ कर लीजिए। देखिए पाउडर कितना गंदा हो गया है। देखिए 2 मिनट के अंदर हमारी दोनों कंघी साफ़ हो गई है और पाउडर देखिए कितना गंदा हो गया है। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। धूप में हमारी त्वचा जल जाती है और टैनिंग हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एक बेहद ही आसान रेडमी बनाकर दिखाती हूँ। उसके लिए आधा टमाटर लेना है और ये टूथपेस्ट लेना है। उसको हम थोड़ा सा टमाटर पर लगा देंगे। मेरे पास पेप्सोडेंट था मगर वो थोड़ा ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने हिमालया का पेस्ट लिया हुआ है। आपके पास जो भी पेस्ट हो आप उसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरे हाथों पे कितनी टैनिंग है। अब इसको हम हाथ पर अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है। मैं हाथों और कोहनी पर भी इसे लगा रही हूँ। कोहनी का जो काला हिस्सा है वो भी इससे अच्छी तरह से साफ हो जाता है। ये रेमेडी धूप से हुई टैनिंग को और काली त्वचा और जहाँ पे भी गंदगी हो उसे ये बेहद ही अच्छी तरह से साफ कर देता है। देखिए मैंने दोनों हाथों में इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसे हम 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे धो लिया है। देखिए हाथ कितना साफ लग रहा है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हाथ कितना साफ लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तीसरी टिप हमारी चाकू को लेकर है। चाकू इस्तेमाल करते करते इसकी धार कम हो जाती है और सब्जी अच्छी तरह से नहीं कटती है। उसके लिए बेहद ही आसान तरीका है। सभी के घर में ये स्क्रबर होता है, उस पर आप चाकू को रगड़ लीजिए। ये स्टील के चाकू है। आप स्टील या लोहे किसी भी चाकू को इस तरह से रगड़ेंगे तो इसमें बेहद ही अच्छी तरह से धार आ जाएगा। मैं इससे आपको सब्जी काट कर दिखाती हूँ कि इसकी धार कितनी तेज़ हो गई है। देखिए इसकी धार कितनी तेज़ हो गई है। आप इससे स्टील या लोहे किसी भी चाकू पर धार बेहद ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दोनों चाकू में धार कितनी तेज़ हो गई। आप चाहें तो इसी तरह कैंची में भी धार लगा सकते हैं। मेरी अगली टिप तरोई को लेकर है। तरोई जब हम खरीद कर ले आते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। आप चाहे इसे फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसके लिए आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से भिगा दीजिए। भिगाने के बाद इस पे आप तरोई को ऐसे रखिए जिससे इसमें एयर ना आने पाए। एयर आने पे तरोई सूख जाएगा। इस तरह से इसे हमें रख कर कपड़े में लपेट कर रख देना है और इसे बीच बीच में पानी का छींटा देते रहना है। इस तरह से करने पर ये 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ताज़ी बनी रहती है और इसे आप एक टोकरी में रख दें। आप इसे बाहर या फ्रिज किसी में भी रखेंगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।